हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा पेश किया। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केवल नेम चेंजर सरकार के तौर पर उभरी है, जिसने नाम बदलने के अलावा कोई खोज कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये तो एसएससी का जो चेयरमैन था उसको इनको सस्पेंड करना पड़ा और अभी सोनीपत में भर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए खाए गए और वो एक आदमी आज तो घूम गया, उसने की अब तक कोई इंक्वायरी नहीं करेगी जिसमें भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम आंका गया है। जैसे MPHW की 106 कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट करे इन्होंने जिन्होंने जिनका शॉर्टलिस्ट में नाम ही नहीं था, पहले शॉर्टलिस्टेड किए गए, अखबार में नाम आया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड RTI थी। चलिए भाई 106 ऐसे आदमी जिनके प्लेस्ड विदाउट देयर नेम इन द इंटरव्यू लिस्ट, जिनका वो था ही नहीं, सीधे इंटरव्यू ले लिए गए, ये RTI हमारे पास। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।